हेलो स्टूडेंट्स, सीएमजे इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन मनकट मोतिहारी। आज हम लोग हिंदी में हिंदी अच्छा से हिंदी में पाठ पांच हम लोग पढ़ेंगे। पाठ पांच शीर्षक दुख। इस शीर्षक के शीर्षक दुख जो है इसके लेखक आंतोन चेखव जी हैं। आंतोन चेखव है ना, ये जो है इनका जन्म जो हुआ था दक्षिण रूस के टगनरोग में 29 जनवरी 1980 को हुआ था, ठीक है इनका। तो हम लोग जो है लोग उसी दुख को पढ़ेंगे। इसे यह एक कहानी है ना, यह एक दुखी गरीब लोना की कहानी है जो टांगा चलाता है और टांगा चला करके उसके इकलौते बेटे की मृत्यु हो जाती है। जवान एक इकलौता बेटा है लोना का और उसका मृत्यु हो जाता है। वह दुख भरी कहानी किसी को सुनाना चाहता है और अपना दिल हल्का करना चाहता है, परंतु कोई भी ऐसा नहीं जो उसकी पूरी बात सुने। अंत में वह अपनी दुख भरी कहानी घोड़ी को सुनाकर अपना दिल हल्का करता है। जब दुख होता है तो किसी भी आदमी के साथ कोई दुख होता है, कोई घटना घटित होती है, तो चाहता है किसी के सामने हम उसको रखें और किसी दूसरे से कहने के बाद से होता क्या है कि थोड़ी सी मन हल्का हो जाती है। तो वही लोना चाहता था, लेकिन लोना की बात सुनने वाला कोई नहीं था। तो वो टांगा चलाता था, तो जब टांगा चलाता था तो वो घोड़ी को ही अपनी बात को कह करके अपने दुख को कम करता है, दिल को हल्का करता है। अब जो है शाम का धुंधलका था, अभी अभी सड़क पर बतिया जली थी और गीली बर्फ के फाहे पर उन छितरा रहे थे। छतों पर घोड़ों की पीठ पर लोगों के कंधों और टोपी पर बर्फ की परतें जम गई थी, बर्फ गिर रही थी है ना। और कोचवान यानी घोड़ा गाड़ी चलाने वाला को हम लोग कोचवान कहते हैं। जो घोड़ा गाड़ी चलाता है उसको हम लोग कोचवान कहते हैं, ठीक है। तो वह लोना प्रोता पावे प्रेत की भांति सफेद हो गया था। वह टांगे पर इस प्रकार दोहरा होकर बैठा था कि बर्फ में पूरा दब जाता तो भी न हिलता। उसकी छोटी सी घोड़ी भी बर्फ से ढक गई थी और वह अभी उसी की तरह बेजान थी है ना, जिसमें जान न हो। काफी देर से न तो लोना हिला डुला था और न ही उसकी घोड़ी। लोना अपने टांगे को लेकर शाम से ही निकल पड़ा था उसका, और घोड़ी का पेट खाली था और अभी तक एक भी सवारी नहीं मिली थी है ना। जिस शहर के नाम पर धुंधलका छाता जा रहा था, सड़क पर शोर बढ़ रहा था, लैंप पोस्टों में पीली चमक आ गई थी है ना। वो भी भूखा था और उसकी घोड़ी भी भूखी हुई थी। बस लेकर के टांगे को शाम को ही निकल गया था और निकलने के बाद से शहर में जो है सड़क पर शोर शराबा बढ़ रहा था। तभी लोना ने सुना कोई पुकार रहा था, टांगे वाले बाइक वर्ग जाना है ना। तब तक सुनता है कि वो टांगे वाले कोई आवाज़ दे रहा था कि वो टांगे वाले है ना भाई वर्ग जाना है। उसने अपनी बर्फ से ढकी टोपी उठाकर यात्री को देखा, वह कोई अफसर था। उसने मिलिट्री का ओवरकोट पहन रखा था, वो जो कोट पहना था वो मिलिट्री का पहना हुआ था है ना। तो और सिर पर जो था टोपी रखा हुआ था, उसके सिर पर टोपी रखा हुआ था। अफसर ने दोहराया, भाई वर्ग सोया है क्या, माने भाई वर्ग चलना है सोए हो क्या। लोना ने थोड़ी लगाम खींची तो घोड़ी की पीठ और कंधे पर जमी बर्फ झर गई। लगाम घोड़ी का लगाम था, उसको खींचा तो जो बर्फ गिरा हुआ था तो बर्फ जम गया था, तो बर्फ उस पर से गिर गई। अफसर बैठ गया है ना। लोना ने घोड़ी को हाँका, हुआ अपनी जगह से उठा और घोड़े को हवा में घुमाया। घोड़े ने भी गर्दन उचकाई, बेत सी पतली टांगों को मोड़ा और बेजान सी
चल पड़ी। पाजी किधर जा रहा है, तुझे कुछ आता जाता है या नहीं, सड़क के दाई तरफ चल, दाई तरफ टांगा चलाना आता है कि नहीं, दाई चल, अफसर ने कुड़ते हुए कहा। अफसर चिढ़ते हुए वो बोले। लियोना ने मुड़कर अफसर को देखा, मुड़ता है और अफसर को देखता है, और देखने के बाद है ना वो ठिला रहा था, वह कुछ कहना चाहता था मगर उसके मुंह से खांसी की खंगलाहट के सिवा कुछ नहीं निकला, खांसने के सिवा उसके मुंह से कुछ नहीं निकला। अफसर ने पूछा, क्यों, क्या बात है? लियोना के मुस्काने को हुए, उसने अपना गला साफ करते हुए कहा, हुजूर मेरा एक बच्चा था, वह इस हफ्ते मर गया। कैसे मरा? विदुर लियोना ने उसका चेहरा ठीक से देखने के लिए अपना पूरा शरीर मोड़ा, मालूम नहीं कैसे, बताते हैं कि उसे बुखार था, वह अस्पताल में 3 दिन ही रहा साहब और उसकी मौत हो गई, खुदा की ऐसी ही मर्जी थी, पता नहीं कैसे मर गया, उसको बुखार था, अस्पताल में ले गए, बुखार था, 3 दिन बुखार रहा, मर गया, पता नहीं। अब ये सब तो भगवान की, खुदा की ही मर्जी थी। भूल जा पाजी यह बात, भूल जा पाजी यह बात, अकस्मात यानी सासा अंधेरे से आवाज़ आई, बूढ़े तेरी अकल नहीं मारी गई, चलता क्यों ना, इस तरह चलेगा तो कल भी नहीं पहुँचेंगे, घोड़ी को मार, कोड़े मार। लियोना ने अपनी गर्दन उचकाई, अपनी सीट से उठा और कोड़ा चमकाया, कई बार वह अपनी सवारी को देखने के लिए मुड़ा मगर अफसर की आंखें बंद थी, वह कुछ सुनने के मूड में नहीं था, वो चाहता था कि कुछ क्या है, लेकिन वो उस अफसर जो यात्री बैठा हुआ था पैसेंजर, वो सुनने के मूड में नहीं था। सवारी ने उसके बाई वर्ग छोड़ा, फिर पास की दुकान पर जाकर शराब चढ़ाई, खूब शराब पिया और पहले की तरह निश्चल दोहरा होकर बैठ गया। बर्फ के फाये उसे और उसकी घोड़ी को सफेदी से ढांपते रहे। 1 घंटा और इसी तरह बीत गया। फिर 3 युवक आपस में जोर जोर से झगड़ते हुए आए, लड़ाई करते हुए आए। उनमें से 2 लंबे और छरहरे थे और 1 नाटा था। नाटे ने कड़कड़ाती आवाज में कहा, पुलिस ब्रिज चलोगे, पुलिस ब्रिज चलोगे, 20 कोपेक देंगे, कोपेक यानी पैसा, रूसी मुद्रा है ना, देंगे, चलोगे क्या, पुलिस ब्रिज चलोगे। लियोना ने लगाम थाम ली, किराया कम था मगर लियोना को उसकी परवाह न थी, सवारी मिले तो क्या 1 रूबल और क्या 5 कोपेक माने रुपया। जुआ के एक दूसरे को धकियाते टांगे पर चढ़े और सीट पर बैठने के लिए झगड़ा करने लगा। सीट 2 ही थी, सवारियां 3, कौन बैठे कौन खड़ा रहे। काफी सिर खपाई के बाद तय हुआ कि नाटा खड़ा रहे, उसे खड़ा रहने में आसानी होगी। ये लोग तीनों सवारियां जो थे आपस में लड़ने लगे कि कौन बैठेगा कौन जाएगा है ना, तो नाटा ही खड़ा रहे। तो नाटा अपनी जगह पर खड़ा, उसने लियोना की गर्दन पर गर्म सांसें छोड़ते हुए कड़कड़ाती आवाज में कहा, चल दे बुढ़ऊ, तेरी टोपी बड़ी अजीब है, तेरी टोपी बहुत अजीब है, बात नाटा बोलता है, क्या तुझे इससे बेकार टोपी कहीं नहीं मिली, ही बड़ी अजीब टोपी है साहब, चलो चलो आगे बढ़ो, इसी तरह घसीटते घसीटते चलोगे या जरा तेज भी चलोगे। एक लंबू बोला, मेरा सिर फटा जा रहा है, कल मैंने बोधका के साथ कोगने की 4 बोतलें चढ़ा ली। दूसरे लंबू ने गुस्से से कहा, मुझे समझ नहीं आता तू हरदम झूठ क्यों बोलता रहता है, खुदा कसम अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो तेरे प्राण मेरे प्राण यहीं निकल जाए। कैसी खुशमिजाज लोग हैं आप, लियोना ने दैनिकता से कहा। नाटा तुनक कर बोला, ए फुसट तू टांगा तेज चलाया गया नहीं, घोड़ी फोड़े मार तब इसमें जान आएगी। लियोना अपनी पीठ पर नाटे के बुलबुलाते शरीर और उसकी थरथराती आवाज को महसूस कर रहा था। वह अपने अपमान को चुपचाप सहता जा रहा था। उसने सड़क पर फुर्ती से आते जाते लोगों को देखा और धीरे धीरे उसका अपलापन दूर होने लगा। वह नाटा तब तक भनभनाता रहा जब तक खांसी के एक लंबे दौर में उसको बोलना नहीं बंद कर नहीं कर दिया। एक लंबू किसी जीवती के बारे में बातें कर रहा था। लियोना ने तीनों के चेहरे को देखा, वो एक लड़की के बारे में बात कर रहे थे तब तक जब इस बात को सुना लियोना, तो लियोना उन लोगों के चेहरे को देखने लगा, निहारने लगा। एक लंबू कि कब इसमें कोई चुप और वो अपनी बातें शुरू करे, वो चाहता था कि ये लोग अपनी बात को बंद कर दें और हमारी जो बात है मैं अपनी दूध भरी कहानी इन्हीं लोगों को सुना दूँ, मेरा दिल हल्का हो जाएगा, लेकिन ये नहीं हुआ।
फिर जब थोड़ी देर के लिए चुप हुए तो लोगों ने उनकी ओर देखते हुए मिमिया कर कहा, मेरा बच्चा वह इस हफ्ते मर गया। खांसी के दौर बाद नाटे ने अपने ऊँटों को पूछते हुए कहा, हम सब एक न एक दिन मरेंगे, तुम टांगा चलाते रहो बस यारो, इस चाल से तो हम कभी किनारे नहीं पहुंच पाएंगे, है ना। मारा मार, जरा मार दे उसकी गर्दन में एक चाबुक, यानी घोड़े के गर्दन में चाबुक मार दे, तेज दौड़ेगा। सुनता है कि नहीं, लगा उसकी गर्दन में एक चाबुक, तेरे टांगे में जाने से तो पैदल जाना अच्छा था। तूने सुना या नहीं, तू हमारी बात पर क्यों नहीं देता। ही वह दयनीय हंसी हंसा, कितने खुश मिजाज लोग हैं यहाँ, खुदा आपका भला करे। कि लंबू बोला, क्या बे शादीशुदा है या नहीं। मैं शादीशुदा हूँ। आप सब बड़े मजाकिया लोग हैं, मजाक करने वाले। मेरी एक ही औरत बाकी है, वही गीली धरती है ना। ही या कब्र बची है मेरे लिए, मेरा बच्चा मर गया और मैं जिंदा हूँ। किस्मत का खेल है सब, मरना किसको था, मरा कौन। मुझे मरना था और मर गया मेरा बच्चा। लोना ने अपना सिर उनकी ओर घुमाया, वो बताना चाहता था कि उसका बच्चा कैसे मरा। उसी क्षण नाटे ने राहत के साथ छोड़ते हुए कहा, चलो भाई किस्मत वाले हैं हम जो अपने ठिकाने पहुंच गए। 20 कोपे लेने के बाद वो अपनी सवारियों को तब तक देखता रहा जब तक वे भीड़ में गायब नहीं हो गए। एक बार फिर वह अकेला हो गया। अंदर छिपा दर्द थोड़ी देर के लिए बाहर आने को हो गया। उसने सड़क पार से जाते हजारों लोगों को देखा और सोचा, क्या इनमें से एक भी मेरे दुख को बांट सकेगा। पर भीड़ उसी तरह गुजरती रही, किसी ने उसकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। उसका दुख गहन था, अंत था मगर उसका कलेजा फट सकता था, पर दुख उससे बाहर छलक सकता था, तो वह सारी दुनिया को उसकी चपेट में ले लेता। किसी ने यह देखने की कोशिश नहीं की उसका दुख शरीर के किसी अदृश्य कोने में छिपा हुआ है। दिन के उजाले में कोई दिया लेकर ढूंढता तो भी उसे खोज नहीं पाता। एक दरबान बोरा उठाए जा रहा था। लोना ने सोचा, क्या मैं उससे कहूं अपनी बात। लोना ने पूछा, क्या वक्त हुआ होगा मेरे भाई, 10 बजे है, तुम यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो, यहाँ से जाते हो क्यों नहीं। लोना वहां से कुछ आगे बढ़ गया। उसका शरीर झुका था और वो अपने दुख से हार चुका था। उसने तय किया कि मदद पाने के ख्याल से लोगों से मुखातिब होना बेकार है। मगर कुछ ही मिनट में उसने अपने आप को तना हुआ महसूस किया। उसने अपना सिर झकझोरा, मानो अब तकलीफ उससे सहन नहीं होगी। उसने लगाम खींची, दर्द अब बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था, सहन नहीं हो पा रहा था। उसने सोचा, अब घुड़साल वापस चले। छोटी घोड़ी भी जैसे उसके मन की बात ताड़ गई, वह आगे बढ़ी। 1.5 घंटे बाद लोना एक बेहद गंदे स्टोव के पास बैठा था। आसपास फर्श जो था वो पर और बेंचों पर लोग खराटे भर रहे थे। हवा बदसूरत और घुटन भरी थी। लोना सोए ही लोगों को देख रहा था। वह अपना शरीर खुजलाने लगा अपने शरीर को, और अफसोस हो रहा था कि वह इतनी जल्दी वापस क्यों आ गया। अभी तो चारा खरीदने तक के पैसे नहीं कमाए, जो दाना पानी देना है घोड़ा को उसके लिए एक खरीदने के पैसे भी नहीं कमाए। उसने सोचा, दुख मेरे पीछे पड़ा हुआ है, दुख जो है मेरे पीछे पड़ा, मेरा बेटा भी मर गया और आमदनी भी बहुत कम हो रही है। यही वो सोच रहा है लोना। मगर वह आदमी जो केवल अपना काम जानता है, ध्यान दीजिएगा, जिसका पेट भरा है, जिसके घोड़े का पेट भी भरा है, वह सुख की नींद सो रहा है। जिसका पेट भरा हुआ रहता है, जिसके घर में अनाज, जिसके पॉकेट पैसे होते हैं, सभी प्रकार से सुखी संपन्न होते हैं, उनको नींद बहुत अच्छी आती है। एक जवान कुछवा नींद से बड़बड़ाता हुआ पानी के घड़े के पास पहुंचा, है ना। पानी के घड़े के पास पहुंचता है और पहुंचने के बाद, तुम्हें प्यास लगी है, लोना ने पूछा। लगी तो है, प्यास लगना तो अच्छी बात है, पर भाई जहाँ तक। लोना ने मुड़ कर देखा कि उसकी बात का असर रहा या नहीं, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। जवान लड़के ने पानी पीकर उसके अपने मुंह तक कंबल ढक लिया था। बूढ़े लोग लोना ने निश्वास छोड़ा, यानी लंबी सांस को छोड़ा, और जैसे जवान छोकरे पीना चाहते हैं वैसे यह बात करना चाहता था कि उसको दुख भरी थी। वो चाहता था कि हम अपनी बात को रखें, लेकिन उसकी बात को कोई सुनने वाला नहीं था, है ना। और
उसने कैसी कैसी तकलीफ, मौत से पहले उसने बच्चे को क्या कहा और वह कैसे मारा, उसे बताना है कि बच्चे का जनाजा कैसे निकला, कैसे वह अपने बच्चे के कपड़े लेने अस्पताल गया। तब तक उसकी बच्ची गांव में थी, वह अपनी बच्ची के बारे में बातें करना चाहता है। कितनी ही बातें थी बताने को, सुनने वालों की किस्से में आहें भरनी है, रोना है, सिकरहना है, सिसकना है। लोना ने मन ही मन तय किया कि अब वह घोड़ी के पास जाएगा, सोना ही तो है, फिर सो लेंगे। उसने अपना कोट उतारा और नीचे घुसाल में गया। जब उसकी बात को कोई नहीं सुना, उसकी दुख भरी कहानी को कोई नहीं सुना, तो लोना जो है अपनी कोट को उतारता है और अस्तबल घोड़ा जहाँ रहता है उस घर में जाता है और जा करके है ना, और अकेले में अपने बच्चे के बारे में सोचने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। उसने उसको याद को जीवित करना बहुत कष्टप्रद दुखी था। उसने घोड़ी की चमकती आंखों में आंखें डालते हुए कहा, तुमने कुछ खाया या नहीं, घोड़ा से पूछता है। अच्छा खाओ, आज इतनी कमाई तो हुई नहीं कि तुम चना खा सको, आज उतना हम कमा नहीं सके कि खाना मैं तुमको चना दे सके, पर चारा तो खा ही सकती हो। इस उम्र में मुझे नहीं मेरे बच्चे को टांगा चलाना चाहिए था, वह वाकई एक अच्छा कोचवान होता, गाड़ी चलाने घोड़ा गाड़ी चलाने वाला होता, उसे जिंदा रहना चाहिए था, आज मुझे आराम करना चाहिए था, तो आज मैं टांगा चला रहा हूँ और बेटे को चलाना चाहिए तो बेटा मेरा जो है मर गया है। इसी बात को अब घोड़ी को बता रहा है। लोना एक क्षण चुप रहा और फिर उसने बात आगे बढ़ाई। सियानी छोकरी, ऐसा हुआ मेरे साथ, मेरा बच्चा बेवक्त मर गया, बेसमय मर गया है ना, जो है गलत समय पर मर गया, वह हमारे रहते मर गया। तुम मेरी बातों की इस तरह समझो, मान लो तुम्हारा बच्चा होता और एक दिन अचानक तुम्हें दुख होता ना, तुम्हें भी तो दुख होता, किसी को भी दुख होगा भाई। छोटी घड़ी उसके हाथों पर रखी घास चबाती रही, सुनती रही, सांस लेती रही और अपने दुख में हारे लोना ने उसे अपनी व्यथा कह सुनाई। तो ये लोना की दुख भरी कहानी कोई नहीं सुना तो वो अपने घोड़ी को सुनाता है ना, तो ये दुख भरी कहानी है। और जिन उन्हीं का पेट भरा हुआ होता है, उन्हीं को दुख नींद आती है रातों में बहुत अच्छी, जो अच्छे भूखे पेट सोते हैं, खाली पेट नहीं सोते हैं। अब इस पाठ में जो कुछ कठिन शब्द आए हैं, उस कठिन शब्द को मैंने यहाँ लिख दिया है, इसको फिर कॉपी में आप लोग कर लेंगे। हमको आशा है आप लोग पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री, पार्ट फोर का क्वेश्चन आंसर हमने करा चुका है, उसको कर लिए होंगे, और पांच का आप लोगों को कर लेंगे इसको। और गृह कार्य आप लोग के बुक में जो है शब्द भंडार दिया होगा, उसी शब्द भंडार और व्याकरण बोध को आप लोग याद करेंगे और शब्द भंडार को आप लोग गृह कार्य के रूप में करेंगे, उसको बना लेंगे, ठीक है। इसका क्वेश्चन आंसर जो है हम अगले बार करा देंगे, ठीक है, धन्यवाद।